The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So we are talking about lung cancer. How, kaise, kai ko, kyun, kidhar se aur kisko hota hai ye lung cancer? और ये कैंसर अगर आपको किसी को हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा. सो लंग कैंसर इज बेसिकली अ कैंसर दैट स्टार्ट्स इन योर लंग्स. वाओ, वेरी गुड. तो ये ऑब्वियसली आपको पता है फेफड़े, लंग्स क्या है. लंग आपके छाती के अंदर हार्ट के आसपास दो ब्रीद करने वाले, सांस लेने वाले, हवा भरने वाले ऑर्गन्स हैं. और ये आपके नाक से, आप मुंह से, गले से, विंड पाइप से लंग्स में हवा भरते हैं और वहाँ पर लंबी हवा भरने की जो ट्यूब्यूल्स हैं और फिर अंदर जाके एल्वियोलाय हैं, जो गुब्बारे हैं एल्वियोलाय जैसे, वो फूलते हैं. राइट, ब्रोंकियल एल्वियोलाय. ठीक है. सो जो ट्यूब्स हैं उनको कहते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई. और जो अंदर जाके सेल्स होते हैं उनको कहते हैं सेल्स, बेसिकली एल्वियोलाय. ठीक है. सो दो तरीके के लंग कैंसर होते हैं. नंबर वन होता है, जो सबसे कॉमन होता है वो होता है नॉन स्मॉल सेल कैंसर, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर. राइट, एनएससीएलसी नॉन स्मॉल सेल. और दूसरा टाइप ऑब्वियसली नॉन है तो फिर एक हो जाएगा स्मॉल सेल लंग कैंसर, एससीएलसी स्मॉल सेल लंग कैंसर. अब ऐसा है कि 20% केसेस ऑफ लंग कैंसर आर बिकॉज ऑफ स्मॉल सेल एंड रेस्ट ऑफ देम आर मोस्टली बिकॉज ऑफ नॉन स्मॉल सेल. अब होता क्या है कि इसमें जो लंग कैंसर है ये दोनों प्रकार के अगर सेल्स से बन रहा है, स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल, तो उसको कहेंगे मिक्स्ड स्मॉल सेल, मिक्स्ड स्मॉल सेल या लार्ज सेल कैंसर. लार्ज सेल भी बोल सकते हैं, मिक्स्ड स्मॉल सेल भी कह सकते हैं. So, इसका उद्देश्य क्या है समझने का, समझेंगे हम थोड़ा सा. देखिए, कैंसर जो है कहीं ना कहीं आपके लंग के बॉडी में बनना चाहिए. अगर लंग कब लंग में बन रहा है तो लंग, अगर वो कहीं और बना, मान लो कहीं और से लंग नहीं, कहीं किडनी का कैंसर, कहीं पेट का कैंसर, कहीं और का कैंसर बन के फिर वो लंग में आ गया, लंग में फैल गया, तो उसको हम बोलेंगे मेटास्टैटिक कैंसर टू द लंग. उसको हम प्राइमरी लंग कैंसर नहीं बोलेंगे. ठीक है. तो बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी जरूरी है. तो बात आती है कि ये होगा क्यों, कारण क्या है, क्यों मैंने क्या किया, क्या मैंने बीड़ी सिगरेट पी, क्या मैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में बेंजीन ले लिया, मेरा हुआ क्या, मेरे से गलती बताओ. सो ये क्यों, क्योंकि लंग कैंसर दुनिया का सबसे डेडलीस्ट कैंसर है भैया. इसमें जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, बोथ मैन वुमेन दोनों में. राइट, हर साल मतलब इतने सारे पेशेंट्स, जितने पेशेंट्स लंग कैंसर से मरते हैं, जितने पेशेंट्स लंग कैंसर से मरते हैं उतने कंबाइंड ब्रेस्ट, कोलोन, प्रोस्टेट कैंसर से नहीं मरते. लंग कैंसर बहुत मारता है भैया. और लंग कैंसर सबसे कॉमन है ओल्ड एज में 45 साल के ऊपर. सबसे बड़ा कारण सुन लो, सुट्टा सी, बीड़ी सिगरेट तंबाकू सबसे बड़ा कारण है लंग कैंसर का. राइट, जितनी ज्यादा सिगरेट एक दिन में उतना ज्यादा चांसेस आपके लंग कैंसर होने के. और ऐसा कुछ नहीं है कि लो तार वाली सिगरेट पियोगे कम टोबैको के बगैर वाली ई सिगरेट पियोगे तो लंग कैंसर नहीं होगा, फिर भी होगा. एनी काइंड ऑफ धुआं गोइंग इनटू योर लंग विल कॉज लंग कैंसर. धुआं, बेसिक चीज. ठीक है. सो दिस इज थिंग. सेकेंड हैंड स्मोक इज ऑल्सो वेरी 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 डेंजरस. दूसरा सिगरेट पी रहा है, आपके मुंह पे फूक रहा है, फू आपने अंदर लिया, लंग कैंसर. जी हाँ भाई साहब, सेकेंड हैंड स्मोक इज वेरी डेंजरस. इट ऑल्सो इंक्रीज योर रिस्क ऑफ लंग कैंसर. सो और क्या, अगर आप कोई बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है गाड़ी की, इधर उधर की बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में आप एक्सपोज हो रहे हैं बेंजीन से, एस्बेस्टोस से. राइट, और अगर कोई कैंसर कॉजिंग कोई केमिकल आपके अंदर ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, मान लो हैवी मेटल, यूरेनियम, बेरीलियम, विनिल क्लोराइड, निकल, क्रोमियम, पता नहीं मस्टर्ड गैस, कोई ना कोई गैसोलीन, डीजल, ऐसी चीज़ें, रेडॉन गैस, ऐसी चीज़ें,
या आपकी फैमिली हिस्ट्री है लंग कैंसर, सबको होता है लंग कैंसर, आपको भी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लंग कैंसर, दिल्ली में रह रहे हो लंग कैंसर के चांसेस हैं। और पानी में आर्सेनिक ज़्यादा है, लंग कैंसर। अगर कोई रेडिएशन थेरेपी करी है, कोई एक्सरे बहुत ही ज़्यादा एक्सरे, रोज के एक्सरे, मतलब तो भी लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आधे एक्सरे से, एक आधी सीटी स्कैन से नहीं होता, बहुत सारे लेवल पे होने के चांसेस इससे बढ़ते हैं। सो अगर आपको लंग कैंसर होगा तो सिम्टम क्या आएंगे? भाई कैंसर है लंग में, फेफड़े में, सांस में इश्यू आएगी। सो क्या आएगा? चेस्ट पेन होगा नंबर वन, चेस्ट पेन, सांस में, छाती में दर्द हो सकता है, खांसी आ सकती है जो जाएगी नहीं, खांसी खत्म ही नहीं होगी, और कई बार खांसी में ब्लड आ सकता है, थकान रह सकती है क्योंकि लंग सही से काम नहीं करेंगे, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, वजन कम होगा, बिना किसी काम, बिना किसी ट्राई के भूख लगनी बंद हो जाएगी, सांस भी फूलेगा और सांस से आवाज़ें भी आएगी। इसके अलावा लंग कैंसर और भी ज़्यादा अगर लेट स्टेज में चला जाए, फैल जाए, बोन में चले जाए, राइट, तो बोन कैंसर, बोन पेन होगा, बोन पेन, बोन टेंडरनेस। अगर दिमाग में चला जाए, आई ड्रॉप्स या फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, वॉइस चेंज हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है, नाखूनों में प्रॉब्लम, शोल्डर में पेन, निगलने में प्रॉब्लम, कई सारी वीकनेस, स्वेलिंग, कई कुछ हो सकता है। सो लंग कैंसर इज अ डेंजरस थिंग। सो कैसे डायग्नोस करेंगे हम लंग कैंसर को? लंग कैंसर को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले सीटी स्कैन या एक्सरे कई दूसरे कारण से करते हैं। जब भी आप मान लो एक छाती, सांस फूल रहा है, आपने एक्सरे किया तो कुछ दिख जाता है, ये क्या है? सीटी स्कैन किया, ये क्या है? ये तो मास, ये तो ट्यूमर, ये तो लंग कैंसर है। तो इसमें से ये सस्पेक्टेड लंग कैंसर को फिर आपका पूरी तरह से डिटेल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद, आपकी हिस्ट्री, स्मोकिंग या क्या पोल्यूशन, क्या नहीं, क्या आप करते हैं, उसके बाद फिर हम आपके रिस्क फैक्टर को असर्टेन करते हैं केमिकल रिस्क के बाद। फिर छाती से, आपके स्टेथोस्कोप से भी छाती को चेक करते हैं क्या है क्या नहीं, और फिर सारे टेस्ट इवेल्युएट करते हैं, बोन स्कैन, चेस्ट एक्सरे, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीटी स्कैन चेस्ट का, एमआरआई चेस्ट का, पेट स्कैन, फिर स्पूटम टेस्ट होता है कैंसर सेल्स को देखने के लिए, जी हाँ, स्पूटम में ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया, कैंसर सेल्स, अलग बैक्टीरिया, सबको देखा जा सकता है। और कई बार अगर मान लीजिए लंग के आसपास प्लूरल फ्लूइड, पानी जमा हो जाए लंग के आसपास या हार्ट के आसपास, को निकाल के भी टेस्ट किया जा सकता है कि वो पानी में कैंसर जैसी, कैंसर के वजह से पानी हो रहा है या नहीं। सो ज़्यादातर केसेस में एक लंग के इससे कई कभी कभी बायोप्सी भी लेनी पड़ती है, टिश्यू निकालना पड़ता है। उसको करने के कई तरीके हैं। हम सांस की नली से ब्रोंकोस्कोप यानी एक दूरबीन डाल के भी बायोप्सी निकाल सकते हैं, सीटी स्कैन करके डायरेक्ट, सीटी स्कैन डायरेक्टेड नीडल डाल के बायोप्सी निकाल सकते हैं, एंडोस्कोपी, ईसोफेगल, ईसोफेगस होती है ना जो मुंह की नली, सांस, खाने की नली से डाल के बायोप्सी निकाल सकते हैं, खाने की नली से डाल के वहाँ अगर आसपास है तो, राइट, एंडोस्कोपी, ईसोफेगल अल्ट्रासाउंड विद बायोप्सी वैसे भी कर सकते हैं, और मीडिया स्टीनोस्कोपी भी बेसिकली बाहर से ही मीडिया स्टीनम में डाल के ट्यूब वो डाल के बायोप्सी की जा सकती, दूरबीन डाल के कर सकते हैं, या फिर ऑब्वियसली ओपन तो कर ही सकते हैं, ओपन लंग बायोप्सी या प्लूरल बायोप्सी, प्लूरा की बायोप्सी भी कराया। एक काफ़ी टाइप की बायोप्सीज होती हैं, डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस में, और डॉक्टर डिसाइड करता है आपको किस तरह की ट्रीटमेंट, किस तरह की बायोप्सी चाहिए। अगर बायोप्सी में कैंसर दिख गया तो फिर टेस्ट किया जाता है कि स्टेज कौन सा है कैंसर का, कहाँ कहाँ तक फैला है। स्टेज का मतलब है कितना बड़ा ट्यूमर है और कितना फैला है, स्टेज से पता चलता है कि आपको ट्रीटमेंट कौन सा चाहिए। कैंसर पता चलना काफी नहीं है, कैंसर का स्टेज बहुत जरूरी है पता करना। कैंसर, लंग कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा टाइप ऑफ कैंसर और स्टेज ऑफ कैंसर और आपकी जनरल हेल्थ पे। अगर आप मान लीजिए आपके लंग के पास सबसे पहले तो वो लिम्फ नोड पे जाता है, अगर नियर बाय लिम्फ नोड से आगे नहीं फैला है तो ऑपरेशन, सर्जरी ट्यूमर निकालने के लिए की जाती है। अगर वो लिम्फ नोड से बाहर फैल चुका है तो कीमोथेरेपी होगी पहले, ताकि जो कैंसर सेल्स हैं उनको मारा जाए और उनकी ग्रोथ कम कर दी जाए, रोक दी जाए, फिर उसके बाद फिर सर्जरी सोच सकते हैं। पहले कीमोथेरेपी और या फिर रेडिएशन थेरेपी, जिससे एक्सरेज जैसी बीम्स यूज होती हैं, रेडिएशन जो कि कैंसर सेल्स को मार देती हैं।
सो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी तीन तरीके हैं, कई बार कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होते हैं और इट डिपेंड करेगा आपके टाइप ऑफ कैंसर और कौन से प्रकार का आपका स्टेजिंग है। सो याद रखिए, कैंसर इज वेरी वेरी डेंजरस और आपकी जिंदगी इस पे डिपेंड करती है कि कितनी जल्दी कैंसर पकड़ में आता है। कैंसर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको हो सकता है, लेकिन कैंसर पकड़ना टाइम पे ये ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने समय पे पकड़ लिया तो आप भी लंग कैंसर से ठीक हो सकते हैं, जैसे युवराज सिंह हो गए। तो युवराज सिंह हो सकते हो तो आप भी हो सकते हैं। लंग कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए दो बातों का ध्यान रखिए। नंबर एक, सिगरेट बीड़ी तंबाकू को भूल जाइए, फेंक दीजिए और किसी और को भी पीने से रोकिए। नंबर दो, अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराइए। बहुत ज़रूरी बातें हैं ये, कृपया इनको नज़रअंदाज मत करिए। अपने और अपने घर वाले, अपने फैमिली वालों का ध्यान रखिए। ये हुई बातचीत लंग कैंसर के बारे में, क्या होनी चाहिए आपको जानकारी। धन्यवाद।